आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है डील के लिए जो 15 मार्च की तारीख दी गई थी। तीनों पार्टी को आपस में मिलकर सहमति लगानी थी, उसके ऊपर आज की एक्सक्लूसिव खबर, यहां पर एक्सटेंशन की बात चल रही है। शायद ये सुप्रीम कोर्ट को 15 मार्च तक अपना फैसला नहीं बताएंगे। क्या हुआ है इनके बीच में? अभी तक डील का कोई भी सांठगांठ नहीं बन पाई है और जो 3/15 की तारीख है वो अब लग रहा है खतरे में पड़ गई है। यहां पर डील भी एक तरह से लग सकता है कि कुछ खतरे में पड़ सकती है। शायद सेबी यहां पर पिनलाइज करेगा। बैंकर्स आर हेल्पिंग टू सॉर्ट आउट दिस पर्टिकुलर मैटर। थोड़ी सी बुरी खबर भी है, बट हमारा चैनल का प्रयास है आपको फ्यूचर ग्रुप की हर खबर देना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, पूरा इंफॉर्मेशन देंगे आपको यहां पर। देखिए, आपको पता ही होगा, रिलायंस ने यहां पर, फ्यूचर ग्रुप ने कल ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को नोटिफाई किया है। इनके 100 से ज्यादा स्टोर्स जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर कर लिया है लीज के रेफरेंस में। तो ये एक चैलेंज बन जाएगा फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि इन्होंने जो लीज पिछले एक साल पहले ट्रांसफर की थी रिलायंस को, वो एक सरप्राइज है सभी के लिए। हमारे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज है, शेयर होल्डर्स के लिए भी सरप्राइज है, और बाकी और साथ साथ में लेंडर्स के लिए भी सरप्राइज है। तो लेंडर्स ने यहां पर चैलेंज प्रस्तुत किया है। लेंडर्स कह रहे हैं, जब हमने आपको लोन दिया हुआ है तो आप इतना बड़ा फैसला लीज ट्रांसफर का कैसे ले सकते हैं खुद से, जो ना तो आपने हमें रिपोर्ट किया है ना ही सेबी को रिपोर्ट किया है। तो इसकी शिकायत लेंडर्स ने सेबी को दे दी है। अब सेबी में फाइंड ऑल्सो फ्यूचर ग्रुप फॉर दिस वायलेशन, क्योंकि अगर आप लिस्टेड कंपनी है, जैसे फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनी है फ्यूचर रिटेल, तो अगर कोई इस तरह का प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखती है वो गलत रहेगा, और इसका तो सीधा इंपैक्ट यहां पर उनके खुद के स्टॉक पर बहुत बड़ा पड़ेगा। एज पर सेबी, दिस मे बी अ वायलेशन और जो इनको एक पेनल्टी की तरह से आएगा। अभी तक कोई फॉर्मल कंफर्मेशन नहीं आया है सेबी का, बट अगर नंबर्स की बात करें, 342 जो बड़े स्टोर फॉर्मेट है एफबीबी और आपका बिग बाजार, और 493 हेरिटेज फ्रेश और आपके अदर स्मॉल फॉर्मेट स्टोर हैं। टोटल मिलाकर 835 स्टोर इन्होंने यहां पर टेक ओवर कर लिए हैं फ्यूचर रिटेल के। और इसके साथ में ये 50% से ज्यादा इनकी पोजीशन है करंटली जो रिलायंस टेक ओवर कर चुका है। दिस विल नॉट गो गुड अगर डिले बियॉन्ड मार्च 15, ये हमने कल ही बता दिया, आज सुबह की वीडियो में बताया था, और ये अभी क्लियर हो रहा है यहां पर कि 15 से आगे जाएगी ये डील की तारीख। तो बैंकर्स यहां पर जो एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए दिए हैं, कितने एसेट उनके पास बचे हैं। अब देखिए, बैंकर्स की तरह से आप समझे, उनके ने 17,000 करोड़ दिए हुए हैं और उन्हें पता लगा ऑल ऑफ सडन की रातों रात 1,000 से ज्यादा जो स्टोर्स हैं वो फ्यूचर ग्रुप के पास है ही नहीं पिछले एक साल से, तो ये उनके लिए अच्छी पोजिशन नहीं है। तो ये डिफिकल्ट पोजिशन बन रही है, और उनको एसेट कैलकुलेट करना कि कितनी इन्वेंट्री है कितने क्या है, वो सारे के सारे यहां पर इनके लिए चैलेंज बन पा रहा है। दूसरी बात यह है, क्या और भी ऐसे स्टोर हैं जो लीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है? ये अभी तक यहां पर पूरा खुलासा नहीं दिया है फ्यूचर ग्रुप ने। इन्वेंट्री का कितना परसेंटेज रिलायंस को जाना है वापस और कितना परसेंटेज फ्यूचर ग्रुप के पास रहेगा, ये भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो ये एकदम खिचड़ी बन चुकी है अभी फ्यूचर ग्रुप के साथ में। क्या माल फ्यूचर ग्रुप का है, क्या माल रिलायंस का है, ना फ्यूचर ग्रुप को पता है क्लियरली, ना रिलायंस को पता है। अमेजन को तो भूल ही जाइए और लेंडर्स को भी भूल जाइए। तो ये अच्छी बात नहीं बन पाएगी हमारे हिसाब से, ये खबर अच्छी नहीं जाएगी कल के लिए। और हमारे हिसाब से फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस की डील यहां पर अब थोड़ी खटाई में पड़ने की संभावना हो रही है। सेबी का नोटिस आएगा कल, और जो कि स्टॉक को फिर थोड़ा नीचे की तरफ को लेके जाएगा। तो कल हमारी उम्मीद है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा निजक रिएक्शन आ सकता है इस सारे डेवलपमेंट के बाद। ये सारा डेवलपमेंट आज आफ्टर मार्केट क्लोज हुआ है। आज फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ऑलरेडी 2% गिरा था, और वहां से ही भाप लग गई थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के भी आपके आधे से ज्यादा स्टोर ऑलरेडी लीज ट्रांसफर कर चुके हैं। ये चैलेंज है कि एसेट कितने हैं कितने नहीं है और कितनी उनकी वैल्यूएशन है, ये क्लियर करना यहां पर बहुत डिफिकल्ट होगा, चाहे वो लेंडर हो चाहे वो फ्यूचर ग्रुप हो चाहे वो रिलायंस हो, ये इतनी आसान खेल नहीं होगा। और लीज जो ट्रांसफर कर चुकी है, क्या और भी इस तरह के लीज सिचुएशन बाकी है अदर फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज में जो ऑलरेडी रिलायंस के ऊपर ट्रांसफर हो चुकी है? और गवर्नेंस का क्या हुआ,
आपको सारी चीज गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंज पर भेजनी चाहिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है फ्यूचर ग्रुप के गवर्नेंस के ऊपर। अब एक ही चीज है यहां पर, अगर कोई बचा सकता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन्होंने फ्यूचर ग्रुप ने अपने आप को इस पोजिशन लगा दिया है, अगर कोई इनको बचा सकता है तो वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री बना सकता है। दिस इज एज पर प्रिंट मीडिया न्यूज। यहां पर जो सेटलमेंट इन पार्टी के बीच में है, दे सीक मोर टाइम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बियॉन्ड मार्च 13, क्योंकि वो अपना डिलीजेंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसमें फ्यूचर स्टोर अक्रॉस द कंट्री जहां पर उनकी एसेट करनी है, मैन पावर करना है, डेप्ट टू सर्विस करना है। क्योंकि मैन पावर को अब कैसे करेंगे, सारे एम्प्लॉयज को तो रिलायंस ने अपने पेरोल पर ट्रांसफर करने का ऑफर दे दिया है। तो ये एक चैलेंज बन जाएगा लीगैलिटी अकॉर्डिंग टू द सोर्स क्लोज टू द मैटर। और ऑफकोर्स ये थोड़ा चैलेंज है, अगर रिलायंस ने इस तरह से जाल बिछाया हुआ है तो अब रिलायंस के बगैर कहीं और फ्यूचर ग्रुप जा नहीं सकता है और यहां पर अपने आप सरवाइव नहीं कर पाएगा। अमेजन के पास कोई ज्यादा चारा नहीं बचा है, अमेजन या तो ज्वाइंट पार्टनरशिप करे या फिर अपना पैसा जितना उनको मिल सकता है उतना ले। तो देखिए यहां पर ज्वाइंट वेंचर भी एक ऑप्शन डिस्कस किया गया था, जो रिलायंस एज पर द सोर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इतने कंफर्टेबल नहीं है उसमें, वो अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा अमेजन के साथ निवेश करा सकते हैं, ये तो हो सकता है। बट ये नहीं कि डील एक ट्राई पार्टी डील हो, जैसा हमने पहले बताया था डील तो रिलायंस के साथ ही होगी लोन, और उस डील के बाद रिलायंस रिटेल का कुछ हिस्सा अमेजन के पास जा सकता है। ये जॉइंट पार्टनरशिप जो फ्यूचर ग्रुप के साथ है वो शायद अब एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, ऐसा हमें लग रहा है। फ्यूचर लाइफ फैशन के ऑलमोस्ट आधे स्टोर से ज्यादा क्लोज हो गए हैं। देखिए 112 स्टोर जिसमें से 34 आउटलेट ऑफ सेंट्रल और 78 आउटलेट ऑफ ब्रांड फैक्ट्री, इन्होंने अपने इस तरह से काम करा दिया है क्लोज। हमारी रिकमेंडेशन, हम आपको इसको होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, चाहे तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज फ्यूचर लाइफ सेल्फ का भाव देखें तो यहां पर FEL करीब करीब 9 रुपए 85 पैसे पर 1.5% बंद हुआ है और फ्यूचर लाइफ सेल्फ 55 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ है। FEL अभी होल्ड किया हुआ है, कल देखेंगे कहां तक नीचे रिएक्शन जाता है, अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी हमारे हिसाब से। और फ्यूचर रिटेल भी बुलियनजर बैंड के अपर हिस्से में है, अब देखना होगा कल कहां पर नीचे रिएक्शन आता है। फ्यूचर लाइफ सेल्फ जो सुपर ट्रेंड के बेसिस पर बाय सिग्नल है, इंटरेस्टिंग होगा कल कहां तक ये गिर सकता है स्टॉक। अगर आप हमारे साथ पेड मेंबर बनना चाहते हैं एडवांस लेवल के लिए तो 299 का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल यूट्यूब के ऑप्शन पे दी हुई है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।